बारिश आ रही है, बारिश की कनियाँ थोड़ी थोड़ी आ रही हैं और मैं सामान्स मेटने में लगी हुई हूँ। ये देखिए, ये बारिश आ रही है, ये देखिए बारिश आ रही है। और कुछ उनकी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी मानो लोगों की, ये देखिए ऊपर ही भीग गई है। मानो तो जहाँ पड़ती है वहीं बुक्स रख देती है। तो मैं ऊपर उठी हूँ, अभी अभी रोज़ा रख के अभी अभी लेटे ही हैं तो बारिश की कनियाँ आ गई हैं। तो मुर्गे भी अजाने दे रही हैं, ये देखिए बादल काफ़ी गहरे हो गए हैं। और वो देखिए आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो देखिए जी वो पहाड़ियाँ हैं वो वाली। तो टैंकी पानी की भर गई है, ये देखें टैंकी भर गई है पानी की। और ये देखिए इधर कितने बादल हैं, ये देखिए। और बारिश भी हो रही है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि सुबह का टाइम है और रोज़ा रख के हम फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों स्कूल भेजे हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं उठती हूँ रोज़ा रखने के लिए उस टाइम तो बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो फिर उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नूर बानो चैनल के आपका वेलकम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों के आगे तो ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, तो फिर मैं मैंने कहा क्या सोना है, तो बच्चों के लिए फिर मैंने नाश्ता बनाया, बच्चे स्कूल भेजे और नाश्ता उनके लिए बना के, क्योंकि वो अरबी का पढ़ने जाते हैं तो फिर पराठे वगैरह ठंडे हो जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर पराठे वगैरह मैंने बना के दिए। उतनी देर तक वो अरबी के आ जाते हैं तो पराठे उतनी देर तक मैं बना लेती हूँ। तो फिर अभी उन्हें स्कूल भेजा है, तो सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ घर की सफाई वगैरह, और आराम पीछे है और सफाई वगैरह कर रही हूँ और मैं फ़र्श वगैरह धो रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज की रूटीन आपके साथ करते हैं शेयर। बारिश वगैरह आई हुई थी तो ये काफ़ी गंद वगैरह खिल रहा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ, फर्श भी साथ धो लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करनी है, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोल दो, हाय बोलो। नहीं, इसे शर्म आ रही है, मानो की पेंसिल इसने ख़राब कर दी है और मानो ने आन के मुझसे झगड़ा करना है। ये देखें जी, मैंने सफाई वगैरह कर ली है किचन की, ये सारी सफाई वगैरह की है मैंने किचन की, अभी धोया है तो अभी रह गया, ये नीचे से रह गया है तो ये झाड़ू पड़ा है। और ये मैंने सीढ़ियाँ भी धोनी है, ये देखें ये सीढ़ियाँ भी धोनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये फर्श भी धोना है और अभी कमरे की सफाई वगैरह भी पड़ी है करने की। ये देखें ये हमारा छोटा सा बरामदा है और ये कमरे की अभी सफाई वगैरह भी करने वाली है। ये देखें ये कमरे की भी सफाई, देखें क्या हालत हुई है कमरे की, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे दरवाज़े की, ये देखें दरवाज़ा पता नहीं क्या हो गया, ये देखें ये चीर वगैरह आ गई, ये दीवार ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन पहले यहाँ जंजला वगैरह आया था ना, तो उसकी वजह से ये देखें ये, और वो देखें ऊपर भी, यह आपको नज़र आ रहा होगा, और मैं बाहर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा जी ये देखें जी, ये देखें जंगले की वजह से ना काफ़ी शदीद आया था। ये देखें, ये देखें, ये अभी बनाए हैं और अभी रहते हैं कुछ बनाने वाले, तो अभी बने भी नहीं हैं। और ये देखें दीवार वगैरह की वजह से, जंजले की वजह से ये ऐसा हो गया। और ये देखें ना अभी, तो ये देखें ना यहाँ अभी ग्रिल वगैरह लगानी है ना, यहाँ से लेके ना यहाँ तक अभी ग्रिल लगानी है, प्लस्तर भी होता है रहने वाला। ये देखें ये भी प्लस्तर होता है, और ये भी देखें साथ, देखें ये भी प्लस्तर होता है, और यहाँ नीचे से ऐसे करके ना ऊपर से ऐसे करके और नीचे ये ग्रिल जाएगी तो यहाँ लगानी है, वहाँ बेसन भी आएगा। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी काम पड़ा हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह को क्या मंजूर होता है।
मैं आप फर्श धोती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, क्योंकि पैम में ही है ना, तो बास्केट से पानी ले लेती हूँ और धोई जाती हूँ। और ये पानी लेने से धो रही हूँ और ऊपर से बारिश भी रहा है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। पानी भर लेती हूँ यहाँ से, सिंक से पानी भर भर के ना, तो फर्श धो रही हूँ। फैन ना होने की वजह से ना टाइम तो काफ़ी लग जाता है, लेकिन थक जाती हूँ। तो अभी ये बास्केट भर लेती हूँ, इतनी देर तक भर जाएगा और मैं यहाँ से धो लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे धोती हूँ। हाँ जी, और मैं धो रही हूँ फर्श। और अगर हम कह रहे हैं क्या कर रही हूँ, ना करो ना करो, हाई हो जाएगा। काका काका नहीं, ये इसमें काका कहाँ से आया? आ आप काके नहीं हो? आ हम आप काके ना करो। आ काका ना काका मम्मा काका, इसे काका काका करने की बस आदत है। और ये देखिए कहाँ बैठे, मैंने मोबाइल वहाँ रखा हुआ था, तो ये काका काका कर रहा है। हाय करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साफ़ी पे लगा रहे हो? ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्श वगैरह धो लिया है, ये देखिए सारी सफाई वगैरह कर ली है। वेपर टूटा हुआ, इसने ही तोड़ा हुआ है वेपर, और ये खुद ही परोलियाँ लगा रहा है। तो ये परोलियाँ लगा रहा है, हाँ अपनी निकर की ये परोलियाँ लगा रहा है। तो कहता है मामा है जो धोने के लिए। तो ये देखिए ना, ये मैंने चार पाई इधर खड़ी कर दी है ना, तो मैंने कहा ये सूख जाए, तो पंखा मैंने लगा दिया है। तो सफाई वगैरह भी कर ली है। आपको तो पता भी मकान बन रहे हैं, तो सामान की सेटिंग वगैरह हुई नहीं है, तो ऐसी बस सफाई होती है रोज़। ये देखें ना, ऐसी सफाई होती है। और इस तरह की, क्योंकि ये उनके पहनने वाले कपड़े रखे हुए हैं सेफ, क्योंकि सारा सामान दूसरों किसी के घर में रखा हुआ है, तो इस वजह से बस इस तरह का ही है। और नीचे भी मैंने सुबह धो लिया था, सुबह पहले ये धोया था नीचे वाला, और फिर ये ऊपर वाला धोया है। अभी मैं सफाई कर रही हूँ, कमरा की नहीं ना धोना, क्योंकि इसमें मसला ना सामान वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से इससे नहीं धोना जो दिखे। तो ये झाड़ू लगाने लगी। हाँ जी, साफ़ी लगा ली है? कह रहा मैंने लगा ली है। ये देखें मौसम चेक करें, मौसम फ़िलहाल साफ़ है, लेकिन बादल फिर जैसे लगता आ गए हैं। ये देखें, तो फर्श वगैरह मैंने धो लिया है। ये देखिए, इसने भी अपने कपड़े भिगोए हुए हैं, ये सारा मैंने सफाई की हुई है। ये देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड मैंने इसकी गोडी भी की है पांचों की, और इसके पत्ते तो पीले हो गए हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि क्या गोडी करके इन्हें पानी डालते हैं, क्योंकि ये देखें ना, ये सूख रहे हैं। ये सूख रहे हैं। तो इन्हें मैंने पानी नहीं डाला हुआ, तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप गोडी करके इन्हें पानी डालते हैं। और मैंने आपको बताना था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने टैंकी कल लगवा ली थी, तो इस वजह से मैं आप ब्लॉक नहीं बना पाई, वो इस वजह से नहीं बना पाई। ये देखें, ये टैंकी रखवा ली हमने अपनी, और कल ये देखिए मैंने अभी फर्श वगैरह साफ भी धोया, सफाई की है। तो
कल इस वजह से मैंने आपको व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि शाम के टाइम लेकर आए हैं और लगवा ली है क्योंकि वो उनके साथ लगे हुए थे, तो फिर मैंने रफ्तारी वगैरह का खाना वगैरह बनाना था, तो इस वजह से जो लगाने आया था तो उनके लिए खाना वगैरह बनाया था, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मोटर भी लगवाई है, तो वो मोटर लगवाई है, ये देखिए अभी बस ये देखिए ना अभी इसकी तारें वगैरह ये पड़ी हुई हैं, ये देखिए अभी स्विच वगैरह लगाना है, ये देखिए ये स्विच वगैरह लगाना है, ये देखिए तारे वगैरह, ये बाहर का गेट है, गेट बंद कर लेती हूँ, ये मोटर है, ये देखिए ये मोटर लगाई हुई है, ये देखिए अभी इसकी तारें वगैरह लगानी है, तो ये देखिए इसकी वजह से ये स्विच वगैरह नहीं लगाया हुआ है से आन के, अभी ना यहाँ तक बर्ती वगैरह पड़ेगी ना, यहाँ तक मिट्टी वगैरह यहाँ डालनी है, तो फिर ये देखिए ना मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अभी ये बरामदा भी पड़ा हुआ है, ये बरामदा भी पड़ा हुआ है ये वाला, तो ये बरामदा है और वो कमरा है, ये देखिए अभी प्लास्टर भी करवाने वाला है, अंदर नहीं जाते क्योंकि ये नीचे मिट्टी है ना, तो मिट्टी पाँव के साथ सेन में आ जाती है, तो ये भी काफ़ी काम पड़ा हुआ है, तो ये देखिए वो जितना ऊंचा गेट लगा हुआ है ना उतनी उतनी भर्ती अभी डालनी है, ये फिलहाल वैसे ही कच्चा किया हुआ है, तो फिलहाल फिर यहाँ बेसन वगैरह लगवाना है, तो यहाँ बेसन लग जाएगा और ये टूटी इधर लगवा लेनी है, बच्चे वगैरह पाँव वगैरह धोने के लिए, क्योंकि बच्चों को बेसन में पाँव नहीं ना धुल सकते, इस वजह से वजू वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो उसे कब लाया वो शाम को लेकर आएंगे अपने साथ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब के लिए खुदा।